मतलब ये बाल है एक, ये रही मैं उखाड़ के दिखा देता हूँ, ये बाल है, इसमें से मतलब ये पकता है तो इसमें से फिर एक गेहूँ के दाने पक जाते हैं ना, तो हम इसको मार्च अप्रैल के लगभग करीब इसको हम काट देते हैं, और उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो लगती है, उसके बाद जब जाके हमको ये सब मिल पाता है। सो हेलो गाइज, तो कैसे हो आप सब? तो गाइज मैं काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न ही है। तो ये जो वीडियो है ना, ये मेरी लाइफ का ना सबसे पहला ब्लॉग है, मैं अपनी लाइफ के सबसे पहला ब्लॉग बना रहा हूँ, और इसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से वेट भी कर रहा था, क्योंकि ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काफ़ी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उनको क्या होता है कि कैमरा फेस नहीं कर पाते, उसका भी एक रीज़न ये है कि वो कैमरा के आने से या तो वो नर्वस हो जाते हैं, या उनको बोलने का ये मतलब नहीं होता कि मतलब हम बोलना क्या चाहते हैं, वो जो बोलते हैं उसको भूल कर वो किसी और मतलब कैमरा में फेस नहीं कर पाते, मतलब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको एक अच्छा सा और बढ़िया ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कैमरा मतलब जो कैमरा होता है ना उसको रखना है, उसको मतलब साइड रखने के बाद आपको सिर्फ कैमरा में देखना है, और उसको ये सोचना है कि ये मेरा कोई फ्रेंड है। अगर हम इसको ये मानेंगे कि ये मेरा एक फ्रेंड है तो हम उससे काफ़ी अच्छी तरीक़ा से बात कर लेंगे, और आप ये सोचोगे ना कि ये मतलब एक कैमरा है तो आप क्या करते हो कि ये भूल जाते हो हमको क्या बोलना है, और मतलब बोलने की जो एक टेंशन मतलब उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरा का बोलने का हुनर आपको कहाँ से आ सकता है, तो वो हमारे सिर्फ यूट्यूबर भाई है ना, वो उनसे ही मिलता है। मेरी सबसे पहली वीडियो देख लेना आप, मैं उसमें मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मतलब क्या बताऊँ आपको कि बहुत ही धीरे तरीके से और मतलब तेज़ नहीं बोल पा रहा। तो इसलिए मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बढ़ावा दूँगा कि मतलब जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं ना, छोटे यूट्यूबर भाई हैं, उनको मतलब कैमरा फेस करने नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जैसे भाई मनोज डे देख लो, मनोज डे एक बहुत बड़े आज यूट्यूबर हैं, उनके कम से कम 2.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाले हैं, लेकिन जब आप उनका फर्स्ट वीडियो देखोगे ना तो आप ये कह जाओगे कि भाई ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इससे यही है कि मतलब आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से और मतलब बहुत ही क्वालिफाइड तरीक़ा से आप ये सब कर सकते हो। तो ये तो रही कैमरा फेस करने की बात, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बोलने का सेंस कहाँ से आता है। तो बोलने के सेंस के लिए आपके अपने ऊपर जो स्किल्स होती है ना, उसका आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्किल्स सीखने की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि बिकॉज आपके कुछ यूट्यूबर भाई होते हैं उनको मतलब क्या बोलना है और क्या बोल देते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टेंशन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे क्लियर कर सकती है। तो इसके लिए आपको या तो स्क्रिप्ट हो सकती है, अगर आप छोटे यूट्यूबर हो ना तो आपको भाई साहब स्क्रिप्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब उसमें जो मेन पॉइंट होता है ना उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्योर कर सकती हो। तो आज के जो व्लॉग है उसमें मैंने कैमरा फेस करना बता दिया और ऑडियो के बारे में बता दिया, अब मैं आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बता देता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड कि मैं अपने खेतों में हूँ और आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इसका भी एक रीज़न ही है मैं घर से यहाँ पर आ गया था। तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, ये आप जानते हो बिल्कुल क्या करता हूँ। तो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ना अपना जो बायोडाटा है वो नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हरियाणा राज्य के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं एग्जैक्टली जगह तो नहीं बता सकता, उसके भी 20 किलोमीटर एक गाँव है, मैं वहाँ से हूँ, और आप देख सकते हो बैकग्राउंड, क्योंकि जो खेत वेत होते हैं वो एक्चुअली गाँवों में ही होते हैं और गाँवों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि क्या बोते हैं हम, क्या करते हैं, तो चलिए दिखाते हैं अपने खेत में। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है, मतलब ये सरसों हैं, इसको मतलब जो हम ऑयल निकालते हैं ना, सरसों का ऑयल जिससे हम सब्ज़ी पकाते हैं मतलब कुछ भी, वो ये सरसों हैं, इससे हम निकालते हैं और इसको कोल्हू में ले जाते हैं, और उसके बाद हम मतलब सरसों निकाल देते हैं और इस वजह से तेल निकलता है, और इस तेल को हम अपने घर ले आते हैं, तब हम उसको अपना खाना वाना बनाते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है, ये है गेहूँ मतलब जिसको वीट बोलते हैं, मतलब ये गेहूँ है, ये इससे हम रोटी वोटी बनाते हैं, जिससे आटा वाटा बनता है, वो ये वही चीज़ है, मतलब इसको आप प्योर तरीक़ा से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मतलब ये बाल है एक, ये रही मैं उखाड़ के दिखा देता हूँ, ये बाल है, इसमें से मतलब ये पकता है तो इसमें से फिर एक गेहूँ के दाने पक जाते हैं ना, तो हम इसको मार्च अप्रैल के लगभग करीब इसको हम काट देते हैं, और उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो लगती है, उसके बाद जब जाके हमको ये सब मिल पाता है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ एक फ्रेंड है, मैं उससे भी आपका
मतलब मुलाकात करवा देता हूँ। तो भाई आइए, ये है राकेश भाई। राकेश ये बचपन से मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, मेरे साथ भी पढ़े हैं, मतलब बहुत ही क्या बताऊँ आपको, मतलब एक जिगरी फ्रेंड होता है ना, मतलब इसने मेरे हर चीज़ में साथ दिया था। एक बार में क्या हुआ था कि मेरी जो कान में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इसने मेरा बहुत साथ दिया था। क्योंकि जब मैं अपने घर पर था, तो हमारे जो पार्क होता है ना, उसमें एक फंक्शन था, उसमें कोई शो रोमांचक हो रहा था, तो उसमें इसने मुझे वीडियो कॉल करके वो सब लाइव दिखा दिया। क्योंकि जो मैं वहाँ जा नहीं पाया, क्योंकि मुझे चलने की डॉक्टर ने मना किया था, वैसे भी चक्कर वक्कर आते थे, तो इसने मुझे बिल्कुल रियलाइज़ करा दिया कि हाँ भाई वास्तव में ये सब रियल आँखों के सामने हो रहा है। अब हाल वीडियो में क्या बताया था कि नर्वस हो गए थे, तो कोई बात नहीं। इनका नाम राकेश है और ये अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी आप सब देख ही सकते हो कि क्या है, ये खेतों वेतों में होता है और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे पा रहा। ये मेरा स्टैंड नहीं है, हमारे यहाँ से गिर गया था। तो आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ब्लॉग तो नहीं, मेरा इस कैटेगरी का चैनल तो नहीं, बल्कि ऐसे ही मतलब चल रहा था तो मैंने इसे बना दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए आए हो ना, तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। तो जब तक के लिए थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।